सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिपसेट के साथ में आने वाले टॉप 5 बेस्ट फोन्स अंडर 15,000 रुपीज। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पर नए और पुराने दोनों ही टाइप के स्मार्टफोन्स को रखा हुआ है, तो फीचर्स भी अच्छे होंगे, परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिल जाएगी, और कहीं ना कहीं अगर आपको अच्छे 5G स्मार्टफोन की तलाश थी तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लिस्ट को, और सबसे पहले बात करते हैं वीवो की तरफ से आने वाले वीवो T144W। और गाइज, ये जो फोन है यार, ये आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट के साथ में, जो कि आपको डिसेंट टाइप की परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल यूजर हैं तो आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। और एक और अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, जो कि इस बजट के हिसाब से काफ़ी कमाल की बात है। वैसे रही बात फोन की, तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलता है, लेकिन देखा जाए तो डिज़ाइन फोन का काफ़ी अच्छा दिया गया है। साथ ही में 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर और ट्रिपल कार्ड के स्लॉट भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, ये फोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर, तो देखा जाए तो लेटेस्ट फीचर के साथ में आता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो अब बात कर लेते हैं फोन के कुछ मेन फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई है 6.4 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जहां पर 700 निट्स की ब्राइटनेस आपको मिल जाती है। शॉट सेंसेशन ग्लास का सपोर्ट आपको दिया गया है, और साथ ही में स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट आपको मिलती है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी फोन की काफ़ी अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें, बैक साइड में लगे हुए हैं 3 कैमरा, जहां पर मेन कैमरा आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का, 2-2 मेगापिक्सल के आपको मैक्रो और डेप्थ सेंसर मिल जाएंगे। सामने की बात करें तो सामने आपको देखने को मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। स्मार्टफोन का जो मेन कैमरा है, वहां पर आपको आउटपुट काफ़ी अच्छे मिलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन की बात करें तो आप यहां पर मैक्सिमम फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट और बैक कैमरा से अप टू 30fps। वैसे दोस्तों, बैक साइड में आपको यहां पर EIS का सपोर्ट भी मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की। तो फोन के अंदर लगी हुई है 5000mAh की बैटरी, जो कि आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप मीडियम यूजिंग पर काफ़ी आराम से दे देती है। साथ ही में ये फोन 44W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिलती है। सो बैटरी मॉडल भी फोन का यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिया गया है। दोस्तों, ये स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए जो कि यहाँ पर एक नॉर्मल यूजर है, लेकिन उन्हें थोड़े से लेटेस्ट फीचर वाला फोन चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। 4GB रैम प्लस 128GB इनबिल्ट स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे पूरे के पूरे 14,499 रुपए। वैसे दोस्तों, हमने यहाँ पर सभी के बेस्ट बाय लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो उन्हें चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले फोन की तरफ। और दोस्तों, अगला जो फोन है वो आपको बजट के हिसाब से परफॉर्मेंस काफी अच्छी निकाल कर देता है, अच्छे कैमरास, लंबी बैटरी, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर नीट एंड क्लीन सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस भी निकाल कर देता है। दोस्तों, ये फोन है यहाँ पर मोटोरोला की तरफ से आने वाला मोटो का G51 5G। तो दोस्तों, ये एक लौता स्मार्टफोन है जहां पर आपको कम बजट के अंदर भी 12 5G बैंड्स मिल जाते हैं। और परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फोन आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 प्लस चिपसेट के साथ में। ये चिपसेट 8nm की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, और अच्छी बात यह है कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G जैसी परफॉर्मेंस आपको निकाल कर देता है, तो परफॉर्मेंस में ये स्मार्टफोन आपको कहीं से भी कोई शिकायत नहीं देता। सभी के अलावा यहाँ पर आपको साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, और साथ ही में आपको हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। इन सभी के अलावा दोस्तों, ये फोन अभी भी एंड्रॉइड 11 पर आता है आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन बहुत ही जल्द आपको एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिल जाएगा। और देखा जाए तो आपको यहाँ पर नीट एंड क्लीन सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस मिलती है, कोई ब्लॉटवेयर ऐप और ऐड आपको यहाँ पर नहीं मिलते, जो कि इस फोन की एक और काफ़ी अच्छी खूबी है। अब बात कर लेते हैं फोन के मेन फीचर्स के बारे में। तो इस फोन के अंदर लगी हुई है 6.8 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले, पर आपको किसी चाइनीज ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है। 600 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। सो देखा जाए तो IPS पैनल भले ही है, लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिलती है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में लगे हुए हैं 3 कैमरा, जहां पर मेन कैमरा आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कम डेप्थ सेंसर भी आपको यहां पर मिल जाएगा, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहां पर मैक्रो सेंसर दिया गया है। सामने की तरफ आपको मिल जाता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो देखा जाए तो कैमरा सेटअप फोन का यहां पर अच्छा, डे लाइट वगैरह में आपको यहां पर फोटोज भी काफी अच्छी मिल जाती है। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन की बात करें तो बैक कैमरा से आप यहां पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 240fps, और सेल्फी कैमरा से आप यहां पर अप टू 30fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैमरा परफॉर्मेंस आपको यहां पर डिसेंट मिलती है।
साथ ही में अगर फोन के पावर हाउस की बात करें तो दोस्तों ये फोन आता है 5000 mAh बैटरी के साथ में, जहां पर आपको 20 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिलती है। तो बैटरी मॉडल फोन का यहां पर डिसेंट है, आपको यहां पर बैटरी से कोई खास शिकायत नहीं आती। वैसे आपको बता दूं कि ये फोन भी आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलेगा, लेकिन बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, डिजाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं, साथ ही में हल्का फुल्का वाटरप्रूफ भी है, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये स्मार्टफोन आपको सूट करता है तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ भी जा सकते हैं। 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज के लिए नॉर्मली आपको 15,000 रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन दोस्तों सेल वगैरह में ये फोन आपको मिल जाता है लगभग 12,000 से 13,000 रुपये की प्राइस पर। सो अगर आप चाहें तो डेफिनेटली इस फोन की तरफ भी जा सकते हैं। तो गाइज, इस लिस्ट में जो हमारा अगला फोन है, ये फोन आपको फुल्ली ग्लास बिल्ड पर मिलता है, और अगर आप इस फोन के फीचर्स देखने जाएंगे भाई तो काफी कमाल के फीचर्स हैं। चलिए बात करते हैं इस फोन की। तो ये फोन आता है Qualcomm Snapdragon 732G के साथ में। ये चिपसेट भी बना हुआ है 8nm की फैब्रिकेशन पर। अच्छी बात यह है कि डेली टास्क वगैरह आप यहाँ पर काफी इजीली कर सकते हैं, और गेमिंग भी आपको ये फोन काफी अच्छी करा देता है। साथ ही में फोन के अंदर UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है, तो फोन रीड और राइट में भी काफी अच्छा है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। रही बात फोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो ये फोन आपको प्रीमियम बिल्ड यानी कि पूरी तरह से ग्लास बिल्ड पर मिल जाता है। साथ ही में काफी गुड लुकिंग फोन है, और इसके अलावा हल्का फुल्का वाटरप्रूफ भी है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। इन सभी के अलावा यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स और ट्रिपल कार्ड के ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। सो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। गाइज, ये जो फोन है ये थोड़ा सा पुराना है, तो यहाँ पर आपको मिलता है एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन एंड्रॉइड 12 का जो अपडेट है वो इस फोन के लिए अवेलेबल हो चुका है। यहाँ पर आपको मिलता है MIUI 13। तो देखा जाए तो ब्लॉटवेयर काफी कम है, बग वगैरह भी काफी कम हो चुके हैं, तो सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस फोन की अच्छी मिलती है। रही बात फोन के अदर फीचर्स की बात, तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जहां पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। अप टू 1200 नीट्स की आपको यहां पर ब्राइटनेस, साथ ही में HDR 10 का सर्टिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट आपको मिलती है। सो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहां पर टॉप नॉच मिल जाएगी। बात कर लेते हैं फोन के कैमरास की। इस फोन के बैक साइड में लगे हुए हैं 4 कैमरा, जहां पर मेन कैमरा आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड, 5 का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर दिया गया है। सामने की बात करें तो सामने आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहां पर काफी अच्छा है, इमेज आउटपुट भी आपको यहां पर काफी अच्छे मिल जाते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन की बात करें तो आप यहां पर अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बैक कैमरा से अप टू 30 FPS, और फ्रंट कैमरा से आपको यहां पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 FPS। कैमरा वाइज दोस्तों फोन यहां पर काफी कमाल का है। रही बात फोन के पावर हाउस की, तो फोन के अंदर लगी हुई है 5020 mAh की बैटरी, जहां पर 33 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिलती है। सो बैटरी मॉडल भी फोन का यहां पर काफी अच्छा दिया गया है। सो कहीं ना कहीं अगर आप उन यूजर्स में से हैं जो कि एक ऑलराउंडर टाइप का स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ जा सकते हैं। ये जो फोन है नॉर्मली 6GB रैम 128GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ में आपको मिलता है लगभग 17,000 रुपये की प्राइस पर, लेकिन अभी ये फोन आपको बैंक ऑफर्स के साथ में मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 14,500 रुपये की प्राइस पर। वैसे स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है, तो आप इसकी प्राइसिंग को चेकआउट करते रहिएगा, और अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन को भी डेफिनेटली यहाँ पर एक बार ज़रूर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले फोन की तरफ, और अगला जो फोन है एक नॉन चाइनीज है, लेकिन आपको इस बजट के हिसाब से परफॉर्मेंस और फीचर्स दोनों ही काफी कमाल के मिलते हैं। दोस्तों ये फोन है सैमसंग का गैलेक्सी F20 3 5G। इस फोन की खास बात है कि ये फोन आता है Qualcomm Snapdragon 750G के साथ में, जहां ये चिपसेट भी 8nm की फैब्रिकेशन पर ही बना हुआ है, लेकिन फोन की जो परफॉर्मेंस है वो काफी कमाल की है, साथ में आप यहाँ पर हाई लेवल की गेमिंग वगैरह भी काफी इजिली कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। रही बात दोस्तों फोन की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो ये फोन भी आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलता है। बैक लुक फोन का काफी अच्छा है, फ्रंट से थोड़ा सा स्मार्टफोन आपको ओल्ड टाइप का मिल जाएगा, लेकिन बिल्ड क्वालिटी फोन की अच्छी है। इन सभी के अलावा यहाँ पर भी आपको साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और ट्रिपल कार्ड के ऑप्शन यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। वैसे दोस्तों ये फोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 बेस्ड UI 4.1 पर, जहां पर आपको सैमसंग की ऑफिशियल नॉक सिक्योरिटी भी मिलती है। सो देखा जाए तो सिक्योर भी है, जो सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस है वो भी आपको यहां पर टॉप नॉच मिलती है। चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के मेन फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई है 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस वाली TFT LCD पैनल, साथ ही में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है, अप टू 700 नीट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट आपको दी गई है। बजट के हिसाब से डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो आपको थोड़ी सी एवरेज जरूर मिलेगी, लेकिन डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आती है, तो ये काफी अच्छी बात है।
चलिए बात करते हैं कैमरास की। तो फोन के बैक साइड में लगे हुए हैं तीन कैमरा, जहां पर मेन कैमरा आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो आपको मिल जाएगा। और सामने की बात करें तो सामने आपको दिया गया है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर थोड़ा सा एवरेज टाइप का है, लेकिन मेन कैमरा से आपको यहाँ पर आउटपुट काफ़ी अच्छे मिलते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन की बात करें तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर अल्ट्रा एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS, और फ्रंट कैमरा से आपको यहाँ पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 FPS। तो कैमरा आउटपुट भी फोन के काफ़ी अच्छे मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हम पावर हाउस की बात करें तो फोन के बैक साइड में लगी हुई है 5000 mAh की बैटरी, कि मीडियम यूजिंग पर आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफी आराम से दे देती है। साथ ही में ये फोन 25 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स के अंदर आपको कोई भी चार्जर नहीं मिलता है, तो इस बात का आप ख्याल में रखिएगा। और साथ ही में चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। वैसे आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन अप टू 12 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, तो ये भी काफ़ी कमाल की बात है। तो ये स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं यूजर्स के लिए जो कि एक नॉन चाइनीज और एक अच्छा सा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन वाला फोन लेना चाहें, तो वो स्मार्टफोन की तरफ जरूर जा सकते हैं। 4GB रैम 128GB इनबिल्ट स्टोरेज के लिए नॉर्मली आपको देने पड़ते हैं 16,000 रुपये, लेकिन अगर आप थोड़े मोड़े बैंक ऑफर्स लगाए या फिर सेल वगैरह में स्मार्टफोन को लेते हैं, तो ये जो फोन है ये आपको 14,000 से 15,000 रुपये की प्राइस पर भी मिल जाता है, जहाँ पर आपको काफ़ी सिक्योर फोन मिल रहा है, अच्छे 5G बैंड से अच्छा प्रोसेसर आपको दिया गया है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे कैमरास भी मिल जाते हैं। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर एक अच्छा सा नॉन चाइनीज़ फ़ोन है, तो आप इस फ़ोन की तरफ भी ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले फ़ोन की तरफ, और ये स्मार्टफोन स्पेशली तौर पर उन लोगों के लिए होने वाला है जो कि यहाँ पर अच्छा सेल्फी कैमरा और एक अच्छा सा तगड़ा गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं। दोस्तों ये फ़ोन है यहाँ पर आईकू की तरफ से आने वाला आईकू का Z6 5G। सो गाइज ये जो स्मार्टफोन है ये आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 के 5G चिपसेट पर, और ये चिपसेट बना हुआ है 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर। वैसे दोस्तों आप यहाँ पर नाम पर मत जाइएगा, ये जो स्मार्टफोन है आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G से भी बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देता है, और साथ ही साथ आपको फोन के अंदर लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है, जिससे आपको यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बेहतर मिलती है। और रही बात दोस्तों फोन के बाकी फीचर्स की, तो ये फोन भी आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलेगा, लेकिन बिल्ड क्वालिटी फोन की अच्छी है और डिजाइन वाइज भी ये फोन आपको काफी अच्छा मिलता है। साथ ही में इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। और रही बात दोस्तों फोन के यूजर इंटरफेस की, तो ये फोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 बेस्ड फन टच ओएस 12 पर, तो देखा जाए तो यहाँ पर भी आपको लेटेस्ट ओएस मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। हाँ तो भाई अब बात कर लेते हैं फोन के बाकी फीचर्स के बारे में। इस फोन में लगी हुई है 6.5 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले, जहां पर आपको 650 नीट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। पैंडा ग्लास का सपोर्ट आपको दिया गया है। 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट आपको मिलती है। डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो आपको यहां पर काफ़ी अच्छी मिलेगी, हालांकि यहां पर भी आपको वी नॉच वाला डिज़ाइन मिल जाएगा, लेकिन डिस्प्ले से आपको यहां पर कोई शिकायत नहीं आती। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में लगे हुए हैं तीन कैमरा, जहां पर मेन कैमरा आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का, 2 का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। सामने की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का आपको यहां पर सेल्फी स्नैपर मिलता है। उनके जो कैमराज है दोस्तों वो दोनों ही काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं, लेकिन स्पेशली तौर पर सेल्फी कैमरा जो फोन का वो काफ़ी अच्छा है। और रही बात दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन की, तो आप यहां पर फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS। ओवरऑल आपको यहां पर जो कैमरा है वो थोड़ा सा डिसेंट टाइप का मिलता है। बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की, तो फोन के बैक साइड में लगी हुई है 5000 mAh की बैटरी, जो कि आपको नॉर्मल यूजिंग पर एक दिन का बैकअप काफी आराम से देती है। साथ ही में ये फोन 18 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिलती है। हालांकि कोई जबरदस्त फास्ट चार्जिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर थोड़ी सी बेटर चार्जिंग स्पीड मिल जाती है, जो कि अच्छी बात है। तो वैसे आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ 2 ही 5G बैंड के साथ में आता है, तो इस बात को भी आप बिल्कुल ख्याल में रखिएगा। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं एक अच्छा सा गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, जहां पर आपको 5G की कनेक्टिविटी भी मिल जाए, तो अब आप स्मार्टफोन की तरफ डेफिनेटली देख सकते हैं। 4GB रैम प्लस 128GB इनबिल्ट स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 15,499 रुपये, लेकिन अगर आप स्मार्टफोन का 6 और 128 वाला वेरिएंट लेना चाहें, तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 16,000 रुपये देने पड़ेंगे, और दोनों में ही आपको 4 GB की वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सो देखा जाए भाई, तो अगर आप यहां पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन वाले स्मार्टफोन में इंटरेस्टेड हैं, तो ये थे वो कुछ टॉप 5 स्मार्टफोन जिनको कि आप एक बार ज़रूर से देख सकते हैं। सभी के बेस्ट बाय लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। रही बात दोस्तों मेरी ओपिनियन की, तो मुझे यहां पर पर्सनली आईकू के Z6 में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो अगर मुझे लेना होगा तो मैं इसी स्मार्टफोन के साथ में जाना पसंद करूंगा। वैसे आप लोगों की क्या राय है वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।